अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 27 फरवरी से PSL 7 का आगाज हो रहा है, लेकिन अभी तक PSL 7 का सॉन्ग मार्केट में नहीं आया, जिस पर लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जितने भी PSL सीजन हुए हैं उसमें तकरीबन PSL स्टार्ट होने से 2 हफ्ते कबल PSL का सॉन्ग रिलीज किया जाता था, लेकिन अभी तक ये भी नहीं तय पाया है कि कौन PSL का सॉन्ग गाएगा। सुनने में ये भी आया है कि रमीज राजा ने साफ इनकार कर दिया है और PSL के मार्केटिंग मैनेजमेंट को बता दिया है कि PSL के सॉन्ग के लिए PCB की फंड से 1 भी पैसा नहीं दिया जाएगा, और PCB की मार्केटिंग मैनेजमेंट के अधिकारों को हिदायत दी है कि PSL 7 के सॉन्ग के लिए अलग से स्पॉन्सर ढूंढा जाए। हालांकि सुनने में आया है कि CBA ने आतिफ असलम के साथ कॉन्टेक्ट किया है, मगर उन्होंने भी अपनी कुछ शराइत रखे है, जिस पर PCB राजी नहीं हुआ अभी तक। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि कौन PSL का सॉन्ग गाए। मेरे तो जाती ये राय है कि PSL का सॉन्ग अली जफर गाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।